प्रशांत कुकिंग चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक दाल की एक नई रेसिपी, अचारी दाल। घर पे तो सब दाल बनाते हैं इसे छोंक लगा के, लेकिन एक बार आप ऐसे अचारी दाल बना के खाइए, देखिए नॉर्मल दाल से कितना अच्छा लगता है। उसके लिए मैंने ले लिया है आधा कप मसूर दाल और आधा कप मूंग दाल से मिला लिया हूँ मैं। एक छोटा प्याज चॉप कट कर लिया है, छोटा टमाटर उसे भी चॉप कट कर लिया हूँ, एक छोटा चम्मच घी, एक छोटा चम्मच राई, छोटा चम्मच मेथी, अजवाइन छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, कालो जीरा ले लिया हूँ छोटा चम्मच, तीन हरी मिर्ची को मैंने ऐसे कट कर लिया है, अंदर का बीज निकाल लिया हूँ, दो पीस लहसुन को मैंने चॉप कट कर लिया है, बहुत ही छोटा सा अदरक को मैंने इसे चॉप कट कर लिया है, धनिया पत्ता सूखा मसाला में मैंने रखा है, जीरा पाउडर इसे मैंने भूंजा नहीं हूँ, ऐसे ही साबुत जीरा को मैंने पाउडर बना लिया है, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर कश्मीरी मिर्ची, नमक, सौंफ पाउडर और यहाँ पे चाट मसाला, नींबू और मैंने मस्टर्ड ऑयल भी ले लिया है। अब हम दाल को धो लेंगे, उसके बाद अचारी दाल का प्रोसेस शुरू करेंगे। मैंने गैस पे कुकर ले लिया है, कुकर गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन जो चॉपिंग करके हमने कट कर दिया था, थोड़ा भून लेंगे। आप इसमें चाहो तो दूसरा तेल इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए ब्राउन हो गया है, अब इस पर डालेंगे चॉपिंग करके कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें ब्राउन होने तक भूनना है। मैंने दाल में मसूर और मूंग का दाल ले लिया है, अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से उड़द का दाल और चने दाल और अरहर का दाल कुछ भी ले सकते हो, लेके बना सकते हो। अगर आपके पास भी छिलका वाला मसूर का दाल है तो उसे थोड़ी देर भिगा के रख दीजिए, उसका छिलका भी निकल जाएगा, उसमें भी बहुत अच्छा बनेगा। देखिए प्याज हमारा पक गया है, अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं मसाला इसमें बहुत कम यूज करती हूँ, मसाला जितना कम होगा सब्जी उतना अच्छा बनेगा, ज़्यादा मसाला से सब्जी बस मसाला मसाला लगेगा ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। जितना तेल और मसाला कम होगा हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और खाने का टेस्ट भी अच्छा रहेगा। जो इस चीज़ का आप सब्जी बनाते हैं उसी चीज़ का स्वाद ही आएगा, जो ओरिजिनल स्वाद ही आएगा। ज़्यादा मसाला डालेंगे तो उसका टेस्ट चला जाएगा, सिर्फ मसाला का टेस्ट रह जाएगा। अदरक लहसुन हमारा पक गया है, अब इसमें डालेंगे चॉप करके कटा हुआ टमाटर। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, कश्मीरी चिल्ली, चिल्ली पाउडर, हमारा मसाला बन चुका है। अब इसमें दाल को ऐड कर देंगे, मैंने दाल को धो के रख दिया था। दोनों दाल मिला के मैंने आधा कटोरी लिया था, इसलिए पानी मुझे
एक कटोरी और डेढ़ कटोरी पानी में पूरा ले रही हूँ। हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है जिसके वजह से हमें उभर कुक हो जाए, पानी चाहिए तो उबलने के बाद ही हम ले सकते हैं जो दाल गल जाएगा। दाल भी हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, मसूर और मूंग का दाल जल्दी पक जाता है, एक ही सीटी में हो जाएगा। आप चाहो तो बिना कुकर के भी बना सकते हो ऐसे कढ़ाई में, वो जल्दी पक जाएगा। अब हम इसे सीटी लगा देंगे। कुकर लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखना सीटी उठा के देखना कि हमारा सीटी ठीक है कि नहीं है, अगर जाम हो गया होगा तो ये फिर बर्स्ट करने लग जाएगा। इसीलिए जब भी कुकर का इस्तेमाल करें हमेशा सीटी के ऊपर ध्यान रखें। अब चलिए अचारी दाल के लिए हमें अचारी मसाला की तैयारी करते हैं। आधा चम्मच से कम मैंने ले लिया है सौंफ दरदरा पिसा हुआ, कच्चे जीरे की पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच से भी कम मैंने चाट मसाला लिया है, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच लिया है मैंने मेथी दाना, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच से भी कम मैंने अजवाइन लिया है, आधा चम्मच से भी कम मैंने कालो जीरा लिया है, थोड़ा सा नमक ले लिया हूँ मैं। मैंने नमक बहुत ही कम यूज़ किया है इसमें क्योंकि चाट मसाला में नमक है। इसके ऊपर हमने नींबू ऐड करना है। अचारी टेस्ट के लिए मैंने बहुत ही कम थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल भी इसमें डाला है। अब इसको मैश कर लेंगे। देखिए उसका बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए मुझे तो इसका बाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अगर आपको बाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आप इसमें और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के उसको बाइंडिंग कर सकते हैं। अब चलिए मैंने हरी मिर्ची को ऐसे कट कर लिया है, करके उसका बीज निकाल लिया है। बीज निकाल लेने से हमें मसाला डालने के लिए आसानी होगा। इसमें हम मसाला डाल लेंगे। ऐसे ही सबको मैंने भर लिया। देखिए मैंने मिर्ची में मसाला स्टफिंग कर दिया है। इसी मसाले को ही हमने छौंक लगाना है। इस दाल में किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं छौंक के लिए, बस इसी मसाले मिर्ची में डाल देंगे, इसी को ही छौंक लगाएंगे। देखिए दाल मेरा इतना अच्छे से गल गया है, मुझे तो इसका जो क्वांटिटी अच्छा लग रहा है। आपको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, ये तो गाढ़ा ही है, ज़्यादा गाढ़ा होने से खाना तो नहीं हो पाएगा ठीक से। अगर आपको पतला चाहिए तो इसमें पानी भी ऐड करके उसे पतला बना लीजिए, लेकिन गुनगुना गर्म पानी ही डालना है। हमेशा याद रखना है जिस भी सब्जी आप बनाते हैं आपको बाद में पानी का ज़रूरत पड़ता है तो गर्म पानी ही ऐड कीजिए, उसे अच्छा रहेगा, ठंडा पानी अच्छा नहीं रहता है। हो गया है मेरा दाल, कितना अच्छे से गल गया है। धनिया पत्ता थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेती हूँ। छौंक देने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, घी डालेंगे। मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमारे अचारी मसाला जो मिर्ची में डाले थे उसको हम छोड़ देंगे। इसे हम थोड़ा भूंजेंगे ताकि ये वाइट हो जाए, मिर्ची अच्छे से पक जाए। दाल में हमेशा घी का इस्तेमाल करेंगे तो दाल का खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए दाल में मैंने छौंक के लिए घी का इस्तेमाल किया है। घी अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे
खुशबू के लिए, और दाल में घी डालने से अच्छा होता है इसीलिए मैंने ले लिया है। देखिए मिर्ची हमारा वाइट भी हो गए हैं। अब इसे इसमें डाल लेंगे दाल में, और तुरंत इसे हम कवर कर लेंगे, 5 मिनट छोड़ देंगे ताकि इसका खुशबू हमारे दाल के अंदर अच्छे से चले जाए, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब देखिए रेडी हो गया है हमारा अचारी दाल। इसे आप चावल, रोटी, पराठा, पूड़ी जिसी के साथ भी खाना चाहते हैं खा लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये दाल के साथ आपको दूसरा सब्जी की ज़रूरत भी नहीं है, अचार की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दाल आपको अचारी का स्वाद ही देगा। इसीलिए ये दाल एक बार बनाइए, खाइए, मुझे कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। नॉर्मल दाल और इसमें क्या फ़र्क है एक बार खाने के बाद ही आपको पता चलेगा। आज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला आगे की सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।